देखो टिफिन लेके जा रहा है, कह रहे यहाँ बैठते हैं ताकि इसको स्कूल ना जाना पड़े। देखो ये देखो खाते खाते जा रहा है और मैं प्लेट लेके इसके पीछे पीछे भागता रहूंगा। गाजर ले मूली ले। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो अभी बज गए हैं सुबह के 10 और मेरे को अभी जाना है रिदा को स्कूल छोड़ने, क्योंकि 10 बजे की इसकी टाइमिंग है। तो अभी ये देखो क्या क्या कर रहा है। रिदा रेडी हो गए स्कूल के लिए? अब मस्त स्कूल चलेंगे, ठीक है? क्यों आज रिदा का स्कूल जाने का मन नहीं है? पापा जी को तब से कह रहा है ना पापा। क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं। देखो कहाँ छुप गया रिदा, कहाँ छुप गए? हेलो, कहाँ गया, कहाँ गया नन्नू? ओ जात, ये क्या कर रहे हो? ये काके के लिए डाल रही हूँ ना। हाँ तो हृदय के लिए ना टिफिन में थोड़े से मखाने डाल रहे हैं। वहाँ पे सब बच्चे खाते हैं ना मम्मी? वहाँ कभी बिस्कुट ना दे ना। हाँ तो मैडम को कहते हैं मैंने पार्ले जी वाले बिस्कुट खाए। हाँ तो देखो हम इसको पार्ले जी वाले बिस्कुट दे देते हैं और मखाने डाल के देते हैं थोड़े से, क्योंकि गाइस ना वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना चिप्स कुरकुरे वगैरह लाते हैं और मैं इसको तला फला थोड़ा कम देना चाहता हूँ, तो इसलिए इसको मखाने दे देते हैं। कहाँ बैठेंगे हृदय? ये देखो टिफिन लेके जा रहा है, कह रहे यहाँ बैठते हैं ताकि इसको स्कूल ना जाना पड़े। इसके इसके ड्रामे देख लो गाइस। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है बैठेंगे। पहले जय करो माता रानी के आगे जाओ। माता रानी की कैसे करते हैं? माता रानी की शेरा वाली की साचे दरबार की जय। गाइस हृदय यहाँ पे रेडी हो गए स्कूल के लिए। नन्नू पीछे बोतल कहाँ है आपकी पानी वाली, कहाँ है? रीता को पता है बोतल है। तो गाइस रीता देखो रोने लग गया है क्योंकि ना इसका मन नहीं है। जब भी सैटरडे संडे आता है ना तो उसके बाद इसका मंडे को जाने को मन नहीं होता। वैसे तो हंस खेल के जाता है पापा, है ना? वहाँ बाय बाय भी करता है, कई बार हंसता कई बार रोता भी है। हाँ कभी रोने लग जाता है। तो गाइस अभी जा रहे हैं रीता को स्कूल छोड़ने, तो गाड़ी में ही जाएंगे क्योंकि यार थोड़ा सा दूर पड़ता है ना। भैया ये कौन सी ब्रीड है? चाऊ 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 या चाऊ चाऊ? भाई मस्त लग रहा है देखो। नाम क्या इसका? टॉमी रोबिन। भाई रोबिन शेर लग रहा है यार, रोबिन डॉगी तो लगी नहीं रहा, देखो लायन लग रहा है। बाय रोबिन बाय, देख के डर लग गया। क्या कर रहे हो? बार बार इधर विंडो खोल देना जिस साइड भी बैठता है ना। ये देखो देखो खोल दी खोल दी खोल दी खोल दी। ड्रामे देख लो, ड्रामे बाबू ड्रामे देखो, आंखें बंद कर लिए ड्रामे देखो, आंखें आंखें बंद जाने से होता है इसको। खुल के आके पापा जी तो गए हैं देखो स्कूल छोड़ने अंदर। बस अब देखो स्कूल छोड़ दिया है, इसके बाद मैं अपना जिम चला जाऊंगा। क्या कह रहा था वो? कहता वो मेरे बड़े पापा मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे को घर ले जाना, रो रहा था। ऐसे करता है, पापा जी से अलग ही प्यार है उसका। बस मेरे बड़े पापा, मेरे बड़े पापा, मेरे मोनू पापा। मेरे नाम घर का नाम मोनू है ना, तो मेरे मोनू पापा मेरे बड़े पापा। तो अभी रास्ते से ना यहाँ से सामान लेते हैं, थोड़ी सब्जी वब्जी, गाजर लेते हैं, शलगम ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों मेरे को सैलेड में चाहिए होती है। मस्त लग रही है भाई, देखो लाल लाल गाजर है बिल्कुल। 1 किलो गाजर दे दो भैया, और ये भी दे दो आधा किलो। भैया अभी तो सर्दी है, धूप चाहिए, आप ये क्यों लगा रहे हो? भैया अभी धूप हो गई। हमने ले लिया यहाँ पर 3 चीजें, गाजर शलगम और थोड़े से नींबू। गाजर ले मूली ले खीरा ले। मस्त गाजर शलगम खाएंगे मम्मी? नहीं ऐसे ही कच्चे खाएंगे, सब्जी नहीं। शिमला ले आओ, ले आओ जो खानी है ले आओ, कोई मना थोड़ा ही है। भाई सब्जी का डिस्कशन चलता रहता है सुबह सुबह, क्या सब्जी बनेगी आज का, रोज कहीं बन गया, क्या बना है, क्या बना है। और रोज नई सब्जी कहाँ से लाए? आज केले की सब्जी बना दो, इसकी बना दो, घुल जाएगी उसी में ही, पी लेंगे सूप बना के। तो भाई मेरा तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब में थोड़े से चावल ही होते हैं बस। हाँ थोड़ी सी सलाद काट दो, गाजर खीरा और शलगम, बस ये खाएंगे हरी मिर्च के साथ। हरी मिर्च के बिना नहीं खाया जाता मुझसे। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं TDT क्योंकि ओडी सर्विस कराने के लिए दे रखी थी ना यार, इसमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा, मतलब भाई ये आउट ऑफ बजट जा रही है मेरे। तो अपनी TT वापस ले आते हैं जाके। अपनी जो ओडी TT है ना उसकी भाई एक चीज बहुत बढ़िया है, अगर आप उसको 60-70 की स्पीड पे चलाते हो ना आराम से, तो भाई वो बलिनो जैसी एवरेज देती है, मतलब 15-16-17 की भी एवरेज दे सकती है वो, इतनी बढ़िया गाड़ी है। तो गाइस ये खड़ी अपनी ओडी TT, तो पहुंच गया हूँ मैं। पाजी से पूछते सर्विस हो गई इसकी? पाजी आ गए? नहीं अभी सब कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? गाइस देखो टाइम देखो 12 बज गया और अब तक कोई नहीं आया। तो बस अभी पाजी तो आए नहीं है तो मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। सर्विस हो गई भैया? हां भैया TT सर्विस हो गई पक्का ले जाऊं? तो मैं यही सोच रहा हूं कि मैं TT ले जाता हूं और अपना ये छोड़ जाता हूं इनकी मिनी कूपर। तो गाइस अपने को चाबी मिल गई है TT की, तो अभी ये लेके जाते हैं। तो अभी ये लेके जाते हैं और मजा आ गया यार, ये मस्त गाड़ी लगती है मुझे, मस्त। मम्मा हृदय के आने का टाइम हो गया, ले आऊं क्या? नहीं वो पापा चले गए ना, आप लाइव थे ना बेटे। अच्छा हाँ। अरे यार मैं तो इस चक्कर में लाइव भी एंड कर दिया अपना, पापा जी और शिवम गए हैं। तो मम्मा ना यहाँ पे देखो पालक वाली रोटी बना रहे हैं और हृदय को भी हम खिलाएंगे क्योंकि इसमें आयरन होता है। अभी आते कहेंगे हृदय रोटी खा ले, दूध मत देना उसको भी, पहले रोटी खिलाना है। तो गाइस ये देखो हृदय आ गया अभी स्कूल से और ये ना हमने स्टारबक्स का ही रखा हुआ है, मतलब फोटो वोटो क्लिक कराने के लिए। अब हर बार थोड़ी ना 500-500 रुपए खर्च करेगी। हृदय तू गरम गरम क्या आया है? परांठा खाओगे? मैं खिलाता हूँ दही के साथ आपको, मजा आएगा है ना, खाएंगे ना?
पापा जी लेके आ रहे थे स्वेटर क्योंकि इसकी ड्रेस चेंज करी है ना अभी। नारियल पानी पीना है, कह रहे नारियल पानी दे दो। नारियल पानी भाई फिर नारियल पानी भी पीता है। अगर आप अपने बच्चों को नारियल पानी पिला रहे हो ना डेली, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बीमार तो वो बिल्कुल ना के बराबर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी रही है हमेशा। तो पिला सकते हो, एक नारियल पानी ले लो और अपना बस उसको थोड़ा, जैसे ठंडा मौसम है ना तो हल्का सा गर्म पानी नीचे नॉर्मल पानी बॉइल करके ना उसके ऊपर रख दो नारियल को, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। चलो जी चलो, दही के साथ परांठा। ओ भाई गॉड, कैसा है, मजा आ गया? क्या है, यम्मी है? ओ मेरे बच्चा खाओ, आओ आओ आओ। देखो ये देखो, खाते खाते जा रहा है और मैं प्लेट लेके इसके पीछे पीछे भागता रहूंगा। खाना तो पड़ेगा परांठा। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, एक बाइट और, एक बाइट और खाएंगे ना। ये आया परांठा उड़ उड़ के उड़ उड़ के और ये गया। अब खा रहे हैं पालक के परांठे और मैं देख के मुंह में पानी आ रहा है। मेरा भी दिन आएगा पापा जी, मैं भी खाऊंगा एक दिन। थोड़ी बहुत तो खा ले बेटा, नहीं नहीं परांठे खाऊंगा लेकिन एक महीने बाद खाऊंगा, फिर तीन चार परांठे सब खाऊंगा। क्या क्या कर रहे हो, गाना गाओ, तू है तो मुझे। बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो गाइस फिलहाल मस्त नहा धो के मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। तो गाइस अभी हो गए हैं शाम के 10, मतलब रात के 10, तो मैं 10 11 12 बजे कभी 1 बजे भी जिम जाता हूँ, तो अभी चलते हैं और वर्कआउट करके आते हैं, क्योंकि वैसे भी एक दो दिन से ना थोड़ा वर्कआउट इधर उधर हो गया। रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 12 और भाई अभी भी इतना ट्रैफिक है ना भाई, क्या बताऊं, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है यार। इसमें वो देखो कितनी खराब हो रखी है, 8:30 दिखा रहा है, तो इसको भी अभी सही करना है। तो यार चलो जिम तो पहुंच गया मैं इतने ट्रैफिक के बाद। I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on. तो आज ना काफी ज्यादा लेट हो गया मैं जिम से आते आते, तो मम्मा के कॉल आने लग जाते जब ज्यादा लेट हो जाता हूँ। और ये देखो सबके सब सो गए यहाँ, तो आज हृदय भी सो गया, मम्मा भी सो गए, पापा जी भी सो गए। नींद तो नहीं आती ना जब तक आए ना। और आज हृदय तो सो गया, नहीं तो ये मेरे पास होता झोली में। और यहाँ पर ना हम लोगों ने मंगाई है चेयर जिसके ऊपर मैं रेडी होता हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्नैपचैट का लिंक डाल दूंगा। स्नैपचैट पे मैं सब ये छोटी छोटी अपडेट देता रहता हूँ, ये जो भी चेयर वेयर आती है घर में आज इस पे रेडी होते हैं, क्या क्या डालते हैं, तो वहां भी फॉलो कर लेना स्नैपचैट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो गाइस बस घर आते ही सबसे पहला काम यही होता है मेरा कि मैं पहले व्लॉग एडिट कर दूं, ताकि व्लॉग आप लोगों को टाइम से डेली मिलता रहे, क्योंकि यार इस बार मैं चाहता नहीं कि मेरी कंसिस्टेंसी टूटे बिल्कुल भी। तो मैं इसलिए बिल्कुल टाइम पे व्लॉग एडिट कर रहा हूं, टाइम पे ही व्लॉग बना रहा हूं और डेली व्लॉग बना रहा हूं। तो डेली व्लॉग का टाइम तो आपको पता ही होगा, सुबह 8:10 पे व्लॉग आता है डेली। तो गाइस अभी रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 2 और आज मैंने अपना व्लॉग जो है ना जल्दी एडिट कर लिया है। शुरू के 2-3 दिन तो मेरे को टाइम लग रहा था थोड़ा एडिट करने में, बट आज मैंने काफी जल्दी एडिट कर लिया है। और गाइस अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना। और बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। लाइक करो, शेयर कर दो।